सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में जारी हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में। हम बात करेंगे कि इस वर्ष जो ये रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और यूएन के द्वारा या कम्युलेटिव अगर हम कहें कि भविष्य के प्रति क्या चिंता का विषय यहाँ पर रह जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2018 का वैश्विक सूचकांक निर्गत कर दिया गया है भूख के संदर्भ में, और ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है और प्रत्येक वर्ष वेल हेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसमें सूचकांक में तीन आयामों के आधार पर पूरे विश्व में जो देश हैं उनमें भूख की स्थिति का पता लगाया जाता है, और ये तीन आयाम है कम कैलोरी लेना, बाल कुपोषण, बाल मृत्यु दर। तो इन आयामों के आधार पर सूचकांक तैयार किया जाता है। बात करें जो सूचकांक है उस सूचकांक में जो मुख्य रूप से चार संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो वो चार संकेतक क्या है। सबसे पहला कुपोषण, यानी कि इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग है जो कम कैलोरी के कारण कुपोषित है। दूसरे नंबर पर आता है बाल वृद्धि में कमी, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उन बच्चों के अनुपात का पता लगाना जो विकट कुपोषण के कारण वांछित भार और लंबाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरे नंबर पर है कुंठित शारीरिक बाल विकास, यानी कि 5 वर्ष से नीचे के बच्चों में उन बच्चों का क्या अनुपात है इस बात का पता लगाना कि जो पुराने कुपोषण के कारण उम्र के हिसाब से लंबाई प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और चौथे नंबर पर इसमें है बाल मृत्यु दर, यानी कि 5 वर्ष तक के बच्चों में बाल मृत्यु की दर कितनी है, इनके आधार पर अंकना की जाती है, नंबर दिए जाते हैं और उस आधार पर किसी देश को श्रेणीबद्ध किया जाता है या स्थान प्रदान किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति की, तो भारत का प्रदर्शन इस वैश्विक भूख सूचकांक में निराशाजनक रहा है। कुल 119 देशों की सूची तैयार की गई थी या इसमें शामिल किया गया था, उन 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 103वां है। तो भारत इस दृष्टि से देखें तो गंभीर श्रेणी में आता है भूख की स्थिति के अंतर्गत, यानी कि भूख की स्थिति के अंतर्गत गंभीर श्रेणी में भारत अपने स्थान रखा है, जो कि एक चिंताजनक बात है। अब 5 वर्ष के 5 बच्चों में कम से कम एक बच्चा ऐसा है जिसकी भार लंबाई के हिसाब से नहीं है, तो ये भारत की स्थिति दूसरी चिंता का विषय उत्पन्न करती है। तीसरी जो बात है कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस वर्ष के सूचकांक में 3 अंक नीचे खिसक गया है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कुछ संकेतकों में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। जैसे कुपोषित लोगों की संख्या 2000 में 18.2% थी, लेकिन 2018 में 14.8% है। बाल मृत्यु दर जहां 2000 में 9.2% थी, वहीं 2018 में 4.3% है। और कुंठित शारीरिक विकास में 54.2% 2000 में था, लेकिन 2018 में 38.4% है। तो ये तीन संकेतक हैं जिनमें भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। अब अगर हम बात करें कि चिंता का विषय क्या है, अगर कुछ संकेतकों की यहाँ पर बात कर लें तो कुछ संकेतकों में भारत की स्थिति केवल दक्षिणी सूडान से ही थोड़ी सी बेहतर है, और जबकि दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है और भारत उससे सिर्फ कुछ ही अंक ऊपर है या 1 अंक ऊपर है। अगर ऐसी स्थितियां हैं इसका मतलब भारत के लिए वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां सामान्य है। अब बात कर लेते हैं कि चिंता का विषय क्या है। चिंता का विषय ये है कि अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो भूख की जो समस्या है उनमें से एक कारण विस्थापन भी है, और लगभग पिछली 2 दशाब्दियों में सुधार के बावजूद जो वैश्विक भूख का स्तर है वो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो कि चिंता का विषय है।
सूचकांक में ये भविष्यवाणी की गई है कि यदि प्रगति की दर इसी तरीके की रही तो 50 देश 2030 तक कम भूख की श्रेणी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जबकि यूएन का जो सतत विकास लक्ष्य चल रहा है, यानी कि दूसरा चरण जो चल रहा है सतत विकास लक्ष्य 2, इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक विश्व से भूख का अंत कर दिया जाएगा। तो 2030 तक विश्व से भूख का अंत कर दिया जाएगा, जैसी स्थिति दिख रही है उससे तो ये लक्ष्य की प्राप्ति होना थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, लेकिन संभवता हो भी सकता है ऐसा अगर सभी देश इसमें सहयोग करें, अपनी स्थितियों में सुधार करें। तो परीक्षा की दृष्टि से ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ये चिंता का विषय है भारत के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लगातार साथ बने रहिएगा। यदि हमारे लिए सुझाव है तो हमें सुझाव भी जरूर दीजिएगा और साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।